हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास सेवन साइंस का चैप्टर 16, वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल का ख़त्म होना, वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रीस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। तो हम जो ग्राउंड के नीचे से पानी निकालते हैं ट्यूबवेल के द्वारा या वेल हैंडपम्प के द्वारा, तो वो वाटर कैसे रिस्टोर होता है, वो रेन वाटर के सीपेज के द्वारा। जब बारिश होती है तो सोयल के अंदर पानी, बहुत सारा पानी अंदर चला जाता है, तो इस तरह से जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है। द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज इज रिप्लेनिश्ड बाई नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम कितना भी पानी ग्राउंड से निकाल लें, अगर वो नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा दोबारा भर जाता है ग्राउंड के अंदर, तो वाटर टेबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाउ एवर वाटर टेबल में गो डाउन इफ द वाटर इज नॉट सफिशियंटली रिप्लेनिश्ड। लेकिन अगर पानी दोबारा नहीं भरा जाता तो वाटर टेबल नीचे चली जाती है। दिस मे हैपन ड्यू टू मैनी रीजन्स। तो डिप्लीशन होता है जो वाटर टेबल का, या वाटर लेवल जो नीचे जाता है, इसके और भी कई रीजन्स हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सेकेंड है इंडस्ट्रियल, थर्ड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, आर सम कॉमन फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर टेबल। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये वाटर टेबल को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैंटी रेनफॉल, अगर बारिश कम होती है तो इससे भी वाटर टेबल डिप्लीट हो सकती है। येट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफोरेस्टेशन एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर। तो वाटर टेबल को अफेक्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है डिफोरेस्टेशन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे, और इससे क्या होगा, जो सीपेज ऑफ वाटर है उसके लिए जो एरिया है जहाँ से वाटर का सीपेज होता है ग्राउंड के अंदर, वो एरिया कम हो जाएगा। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं 16.7, यहाँ पे क्या दिखा रखा है, जैसे रेन होती है तो रेन से सोइल के थ्रू पानी वाटर टेबल में यहाँ पे ऐड होता है। ऐसे ही जैसे यहाँ स्ट्रीम और लेक है तो यहाँ से भी पानी सोइल के थ्रू नीचे सिप कर जाता है, रिस जाता है और ग्राउंड वाटर के अंदर मिल जाता है। इस तरह से पानी रिचार्ज होता है नीचे, वाटर टेबल हमारी रिचार्ज होती है इस तरह से। अब हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर टेबल वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिसेज, रोड्स एंड पेवमेंट्स। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा घर बनाने पड़ेंगे, दुकानें बनानी पड़ेंगी, ऑफिसेज, रोड्स ये सब बनाने पड़ेंगे। दिस डिक्रीजेज द ओपन एरियाज लाइक पार्क एंड प्ले ग्राउंड। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जगह में घर या दुकानें बनाएंगे तो क्या होगा, जो ओपन एरियाज हैं जैसे पार्क है, प्ले ग्राउंड्स है, भी कम हो जाएंगे। दस इन टर्न डिक्रीज द सीपेज ऑफ रेन वाटर। अगर बारिश होगी और अगर कच्ची मिट्टी नहीं होगी, या कच्ची मिट्टी होगी तो बहुत ही कम होगी, जैसे पार्क के अंदर या प्ले ग्राउंड के अंदर कच्ची मिट्टी होती है, तो बारिश होती है तो रेन वाटर सिप कर जाता है नीचे, तो इससे क्या होगा, रेन वाटर का सीपेज ग्राउंड के अंदर कम हो जाएगा। वट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस, तो इससे क्या होगा, रिकॉल दैट ए पक्का फ्लोर डज नॉट अलाउ वाटर टू सिप इन ईजिली वाइल इन ए ग्रास लोन वाटर सिप्स थ्रू इन नो टाइम। तो आपको ध्यान होगा, अगर हम पक्के फ्रश के ऊपर एक गिलास पानी डाल देते हैं तो उसके अंदर वो सिप नहीं करेगा, लेकिन अगर लोन के अंदर, अगर कोई क्यारी है आपके घर में, अगर उसके अंदर आप एक गिलास पानी डालते हैं तो वो बहुत ही जल्दी उसके अंदर सिप कर जाएगा, क्योंकि जो कच्ची मिट्टी होती है वो बहुत ही जल्दी पानी को एब्जॉर्ब करती है।
Moreover, a huge amount of water is required for construction work. और घर या दुकानें या ऑफिस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती है. Often ग्राउंड वाटर इज़ यूज और इस काम के लिए ग्राउंड वाटर को ही यूज़ करते हैं. सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर. तो एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं. ऑन द अदर वी आर अलाउिंग लेसर वाटर टू सिप इन टू द ग्राउंड. और दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि हम कम से कम ओपन स्पेस, जो ओपन स्पेस है उसको कम से कम कर रहे हैं, उसको घटा रहे हैं, जिससे कम से कम पानी ग्राउंड के अंदर सिप करेगा. दिस रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. तो इससे वाटर टेबल ख़त्म हो जाएगी. इन फैक्ट द वाटर टेबल इन सम पार्ट्स ऑफ मैनी सिटीज़ हैज़ गोन डाउन टू अलार्मिंग लो लेवल्स. हमारे देश के कुछ हिस्सों में जो वाटर टेबल है बहुत ही नीचे जा चुकी है. तो फर्स्ट रीज़न हो गया इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जिसकी वजह से वाटर टेबल डिप्लीट हो रही है. अब हम करेंगे सेकेंड रीज़न ऑफ वाटर टेबल के डिप्लीशन होने का, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, फैक्ट्रीज. वाटर इज़ यूज्ड बाय ऑल द इंडस्ट्रीज. तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनके अंदर पानी यूज़ होता है. ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज़ नीड्स वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस. तो जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, इनको बनाने में कहीं ना कहीं पानी की तो नीड होती है, पानी की ज़रूरत होती है. द नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी. वाटर यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड. और इंडस्ट्रीज में पानी कहाँ से आता है, ये ग्राउंड से ही आता है. एक्टिविटी 16.4. नेम सम इंडस्ट्रीज फैमिलियर टू यू. मेक ए लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज एंड यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. डिस्कस विद योर टीचर एंड पेरेंट्स हाउ द ग्रोइंग. तो कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम लिखेंगे जिनको आप जानते हैं और उनमें क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं और जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं. तो अपने टीचर के साथ डिस्कस करेंगे और पेरेंट्स से. हाउ द ग्रोइंग इंडस्ट्री एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. कि कैसे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ अगर बढ़ती हैं तो इससे वाटर टेबल डिप्लीट होती है, कम होती है या ख़त्म होती है. थर्ड रीज़न है वाटर टेबल के डिप्लीशन होने का, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, कृषि संबंधी क्रियाएं. ए मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड अपॉन रेन फॉर इरीगेटिंग देयर क्रॉप्स. तो जितने भी मेजॉरिटी हैं, मतलब ज़्यादातर जो किसान हैं इंडिया में, वो बारिश के ऊपर निर्भर करते हैं अपनी फसलों के लिए. इरीगेशन सिस्टम सच एज कैनाल्स आर देयर ओनली इन ए फ्यू प्लेसेस. तो हमारे देश के अंदर जो सिंचाई व्यवस्था है, जैसे नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, केवल कुछ ही स्थानों पर ऐसा सिस्टम है. इवन दिस सिस्टम में सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू एरेटिक रेनफॉल. तो जो कैनाल सिस्टम है, इसमें भी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर बारिश अगर नियमित होती रही तो ठीक है, लेकिन अनिश्चित है बारिश, तो कि ये कोई फिक्स नहीं है कि आज बारिश होगी तो कल भी होगी, कल होगी तो परसों भी होगी. ऐसा भी होता है कि आज बारिश होगी और फिर कई दिन बारिश ही ना हो. तो इसको बोलते हैं अनियमित बारिश या एरेटिक रेनफॉल. कि डिपेंड, ये नहीं कंफर्म है कि बारिश होगी या नहीं होगी. देयरफॉर फार्मर्स हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन. तो फार्मर्स, किसान क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं अपनी फसलों में सिंचाई के लिए. पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर फोर्सेज इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाई डे. तो पॉपुलेशन प्रेशर, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ज़्यादा चाहिए, इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर का और भी ज़्यादा यूज़ होगा. दिस रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. और इससे वाटर टेबल डिप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इवन नहीं है, मतलब सेम नहीं है, हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होती. सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन. कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर पानी, बारिश बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर पानी की कमी नहीं होती, वाटर रिच है वे. ऑन द अदर हैंड दे आर डेजर्ट्स विच आर स्कैंटी रेनफॉल. तो दूसरे तरफ रेगिस्तान है जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है. इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री एंड रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे जो बारिश होती है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती. कुछ रीजंस ऐसे हैं जहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल होती है,
बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। एक्सेसिव रेन कॉज फ्लड्स, अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो इससे बाढ़ आ जाती है, और जहाँ पे बारिश नहीं होती उतनी वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। तो हमारे कंट्री के अंदर कुछ रीजंस ऐसे हैं जहाँ पे फ्लड आ जाती है, तो एक ही समय में एक जगह पे फ्लड आ जाती है तो दूसरी जगह सूखा पड़ जाता है। एक्टिविटी 16.5, गिवन हेयर इज़ अ रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया। फिगर 16.8 में एक रेनफॉल मैप दिखा रखा है। इसमें क्या दिखा रखा है, इट गिव्स एवरेज एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कितनी बारिश होती है इस मैप में दिखाया गया है। लोकेट ऑन द मैप द प्लेस यू लिव इन, तुम कहाँ रहते हो मैप पे लोकेट करो। आर यू ब्लेस्ड विद सफिशियंट रेनफॉल, क्या आपको आपके एरिया में सफिशियंट रेनफॉल होती है, जितना नीड है रेनफॉल कितनी होती है। इज़ देयर सफिशियंट वाटर अवेलेबल इन योर एरिया थ्रू आउट द ईयर, क्या आपको साल भर जितना पानी जरूरत होती है उतना मिलता है। इट मे बी पॉसिबल दैट वी आर लिविंग इन एन एरिया वेयर देर इज सफिशियंट रेनफॉल येट देर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे रेनफॉल तो बहुत होती है लेकिन फिर भी पानी की कमी हो जाती है। कैन वी एट्रीब्यूट दिस टू मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो क्या हम इसको क्या कहेंगे, वाटर रिसोर्सेज का वेस्टेज ही कहेंगे कि बारिश तो होती है लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वाटर मैनेजमेंट। यू हैव रीड इन क्लास सिक्स, आप क्लास सिक्स में पढ़ चुके हैं, इन मैनी प्लेसेज ए रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज प्रोवाइडेड बाई ए वेल प्लांट पाइप सिस्टम। तो हमारे देश में पाइप सिस्टम के द्वारा पानी को सप्लाई किया जाता है। वेन द सिविक अथॉरिटी सप्लाई वाटर थ्रू पाइप्स नॉट ऑल ऑफ इट मे रीच द डेस्टिनेशन, तो जो हमारी सिविक अथॉरिटीज हैं सरकारी संस्थाएँ हैं तो वे पानी को सप्लाई करती हैं पाइप्स के थ्रू, तो ये जितना भी पानी वे सप्लाई करते हैं सारा पहुंच नहीं पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पाइप रास्ते में लीक हो जाते हैं और इन पाइप्स में से पानी बाहर निकलता रहता है। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविक अथॉरिटीज़ टू प्रिवेंट सच वेस्टेज ऑफ प्रीशियस वाटर, तो ये जो सरकारी संस्थाएँ हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लीकेज को रोका जाए और जिससे पानी का वेस्टेज नहीं होगा। तो यहाँ पे रेन मैप दिखा रखा है, तो यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है पर्पल कलर से शो किया है, अबोव 400 यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये यहाँ के हमारे देश के ईस्टर्न साइड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है जो घाट दिखा रखा है, वेस्टर्न घाट है ये। तो यहाँ पे जो 100 to 200 जो रेनफॉल दिखा रखी है इस एरिए में दिखा रखी है ये वाला, ठीक है। तो हम बहुत ही लक्की हैं जो हम हरियाणा में रहते हैं, यहाँ पे जो रेनफॉल है वो इतनी होती है कि समय सफिशिएंट वाटर मिल जाते हैं, सो वी आर लक्की। मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल आल्सो, तो वाटर की वेस्टेज तो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती हैं। ऑल ऑफ अस नोविंगली और अनोविंगली वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग टिप्स शेविंग बाथिंग वॉशिंग एंड ड्यूरिंग मैनी अदर एक्टिविटीज़, हम सब कुछ जानबूझ के कुछ अनजाने में वाटर को वेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं तो टूंटी खुली छोड़ देते हैं, शेविंग करते हैं नहाते हैं, कुछ नहा रहे हैं कुछ वैसे ही वेस्ट कर रहे हैं वाटर को। लीकिंग टैप्स इज़ अनदर सोर्स ऑफ ह्यूज वाटर वेस्टेज, अगर हमारे घर के अंदर अगर कोई टैप लीक है तो इससे भी हमारा बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है। वी वेस्ट वाटर एज दो वी डोंट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम, हम वाटर को ऐसे वेस्ट करते हैं जैसे हमें पानी की फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं होगी, अगली बार हमें पानी की नीड ही नहीं होगी। वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ वाटर दैट वी गेट एज रेन फॉल जस्ट फ्लोज अवे, हम देखते हैं कि जितना भी पानी बारिश का होता है वो ऐसे ही बह जाता है। दिस इज़ ए वेस्ट ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, तो जो वाटर है ये बहुत ही कीमती प्राकृतिक संसाधन है, ये वेस्ट करना नहीं चाहिए। रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, रेन वाटर से हमें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। दिस इज़ रेफर्ड टू एज वाटर हार्वेस्टिंग, इसको क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग बोल सकते हैं या रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोल सकते हैं। वी हैव एट मैनी प्लेसेज इन इंडिया एंड एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज एंड वाटर रिचार्ज, तो इंडिया में कुछ प्लेसेज ऐसे हैं जहाँ पर वाटर रिचार्ज करने के लिए बावड़ीज़ बनाई जाती थी पहले,
बावड़ी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर, ये पुराना तरीका था वाटर कलेक्ट करने का। विथ टाइम बावड़ीज फेल इन टू डिसयूज, बाद में क्या हुआ कि समय के साथ बावड़ीज का मिसयूज होने लगे और उनके अंदर क्या करने लगे कि उनके अंदर कूड़ा इकट्ठा करना शुरू करने लगे लोग। हाउ एवर बिकॉज ऑफ द एक्यूट वाटर शॉर्टेज, लेकिन अब क्या हो रहा है कि पानी की कमी की वजह से लोगों ने क्या किया है, अब बावड़ीज़ के बारे में दोबारा से लोग सोचने लगे हैं। बावड़ीज़ आर बिंग रिवाइव्ड, बावड़ीज़ को दोबारा से पुनर्जन्म पुनर्जीवित किया गया है। टुडे द सिचुएशन इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ स्कैंटी रेन्स दीज प्लेसेस आर मैनेजिंग देयर वाटर नीड्स वेल, और इन बावड़ीज़ की वजह से ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अगर बारिश कम भी होती है तो भी इन प्लेसेस पे मतलब वाटर की जो नीड है वो उनकी पूरी हो जाती है। ए फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन ऑल्सो यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, तो कोई अगर किसान है तो अगर वो फील्ड में वाटर यूज़ करता है तो वो भी वाटर को बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है, तो उसे भी वाटर इकोनॉमिकली यूज़ करना चाहिए। आपने ड्रिप इरिगेशन के बारे में तो सुना होगा, ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वाटर प्लांट्स को पानी देते हैं पतली पतली ट्यूब्स के द्वारा, जिससे पानी सीधा सीधा पौधे की बेस में जाता है, पौधे की जड़ों में पहुंचता है, तो इसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन बहुत ही अच्छा मेथड है जिसके द्वारा पानी की वेस्टेज को कम किया जा सकता है। यहाँ पे फिगर दिखा रखी है, इसमें आप ड्रिप इरिगेशन देख सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जो ये प्लांट है इसका केवल बेस पोर्शन है, यहाँ पे ही पानी दिया जाता है, न कि ऊपर से पानी दिया जाता है। व्हाट रोल यू कैन प्ले, तो आप क्या रोल निभा सकते हैं इसमें। हैव यू एवर शोन कंसर्न इफ़ यू सॉ ए टैप लीकिंग इन योर हाउस, स्कूल और एनी अदर प्लेस, क्या आप कोई कंसर्न शो करते हैं अगर आपको अपने घर में, स्कूल में या किसी प्लेस पे कोई टैप लीक होती हुई दिखाई दे, अगर पानी टपक रहा है तो हम क्या करते हैं, हम उस टैप को बंद कर देते हैं। लीकिंग टैप्स वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर, अगर टैप लीक है तो उससे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। यू मस्ट मेक एफर्ट्स टू स्टॉप दिस लीकेज, आपको एफर्ट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए लीकेज को स्टॉप करने की। नंबर ऑफ वेज यू कैन अडॉप्ट टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर, तो आप अपने लेवल पे पानी की वेस्टेज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग, जब आप ब्रशिंग करेंगे तो आप एक मग लेके पानी का उसमें ब्रशिंग करेंगे। मूव द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, अगर फ्लोर बाहर का फ्लोर है, जैसे कमरों के बाहर का जो फ्लोर है उसको आपको क्या करना है, वॉशिंग नहीं करनी है, उस पर पोछा लगाना है, इससे पानी की वेस्टेज कम हो जाएगी। इफ़ेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑन प्लांट्स, पानी की कमी का एनिमल्स पे और ह्यूमन बींग्स पे तो असर पड़ता ही है, पानी की कमी का प्लांट्स पे भी बहुत इफेक्ट होता है। यू मस्ट हैव सीन पॉटेड प्लांट्स विल्टिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग अप इफ दे डिड नॉट गेट वाटर इवन फॉर ए फ्यू डेज, जो गमलों के अंदर पौधे होते हैं अगर उनको हम कई दिनों तक पानी ना देंगे तो क्या हो जाएगा, वह सूख जाएंगे, क्योंकि प्लांट्स को भी पानी की बहुत नीड होती है, क्योंकि पानी के अंदर उन्हें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे वे अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, अगर प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, प्लांट सूख जाएंगे। द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लैनेट शैल बी लॉस्ट, जो प्लैनेट का जो हमारे अर्थ का जो ग्रीन कैरेक्टर है, जो यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स वो ख़त्म हो जाएंगे। दिस मे मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ, इसका मतलब ये हुआ कि सारी लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। फॉर ए वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स शैल मीन नो फूड, नो ऑक्सीजन, नॉट एनफ रेन एंड इन्यूमरेबल अदर प्रॉब्लम्स, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो फूड नहीं होगा, क्योंकि प्लांट्स ही फूड बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ना तो खाना मिलेगा और ना ही ऑक्सीजन मिलेगी, ना ही बारिश होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ए सक्सेसफुल इनिशिएटिव, राजस्थान इज़ ए हॉट एंड ड्राई प्लेस, राजस्थान बहुत ही हॉट और ड्राई प्लेस है, और यहाँ पे द चैलेंज ऑफ द नेचुरल स्कैसिटी ऑफ वाटर वॉज मेट बाई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, वहाँ के लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे जो पानी की कमी का जो उनका नेचुरल चैलेंज था उससे वो पूरा हुआ। ए बैंड ऑफ सोशल वर्कर है ट्रांसफॉर्म्ड ए ड्राई एरिया इन अलवर डिस्ट्रिक्ट इनटू ए ग्रीन प्लेस, सोशल वर्कर्स ने, कुछ सोशल वर्कर्स का एक ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही सूखा एरिया था उसको ग्रीन प्लेस बना दिया। दे हैव रिवाइव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स, उन्होंने क्या किया, 5 रिवर्स हैं वहाँ पे, उन्होंने उसको उनको पुनर्जीवित किया है, पुनर्जन्म किया है उन रिवर्स का,
अरवरी, रुपेरेल, सारसा, बगानी एंड जजवाली, जहाजवाली बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए और इनसे इन फाइव रिवर्स को उन्होंने रिवाइव किया और अब वहाँ पे जो सूखा एरिया था अब वो बहुत ही एक ग्रीन प्लेस बन गया है। केस स्टडी है 201 पेज पे। भोजपुर इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात हैज़ ए वेरी एरेटिक रेनफॉल। गुजरात में जो कुछ एरिया है भोजपुर में बहुत ही यहाँ पे अनिश्चित होती है रेनफॉल, कभी हो गई तो कभी बिल्कुल ही नहीं होती। द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर लाइज अंडरग्राउंड बिकॉज रिवर्स इन दिस एरिया डोंट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो इस एरिया के अंदर जो रिवर्स हैं उनमें सारा साल पानी नहीं रहता, तो फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है, केवल अंडरग्राउंड वाटर है। ओवर द ईयर्स डिमांड फॉर वाटर हैज़ ग्रोन, और कुछ सालों में जो वाटर की डिमांड है बढ़ गई है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। द विड्रॉवल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ फॉर एक्सीडेड रिचार्ज, तो पानी इतना ज़्यादा निकलता है कि इतना रिचार्ज नहीं होता। एज ए रिजल्ट द वाटर टेबल हैज़ गोन डाउन अलार्मिंगली, वाटर टेबल बहुत ही नीचे चली गई है। In 1989, the village along with a non-government organization decided to harvest rainwater. तो 89 में गांव के लोग, तो उन्होंने क्या किया, एक non-government organization थी उसके साथ मिलके रेन वाटर को हार्वेस्ट किया। 18 check dams were built on Rukmavati River and its many tributaries. तो 18 check dams बनाए गए Rukmavati River पे और इसकी जो सहायक नदियां थी उनके ऊपर बनाए गए। The water so collected increased percolation through the soil and recharged the aquifers. तो इस तरह से जो पानी इन्होंने कलेक्ट किया था, percolation होता है रिसना, धीरे धीरे पानी मिट्टी के अंदर रिसता चला गया और इससे aquifers के अंदर रिचार्ज हो गया, aquifers के अंदर पानी भर गया। According to farmers, the wells have water now. तो किसानों के अनुसार वहाँ पे अब कुओं के अंदर पानी है। And the water that flowed into the sea and was wasted has become available for irrigation. तो जो पानी समुंदर में बह जाता था और वेस्ट हो जाता था अब वो सिंचाई के काम आता है। तो चैप्टर हो गया है आपका कंप्लीट और नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और इसके बैक एक्सरसाइज। थैंक यू बच्चों।